अच्छा देखिए क्लास, हमने मुसव्यता अलिफ, मुसव्यता वाओ, मुसव्यता छुटी ये जोड़ना तमाम हुर्फ तहज्जी के साथ सीख लिया है ना। बड़ा अलिफ लगाएंगे जब हुर्फ तहज्जी के साथ तो क्या आवाज निकलती है, आ करके आवाज निकलती है, और जब हम वाओ जोड़ते हैं तो आवाज क्या निकलती है, ओ करके आवाज निकलती है, जैसे बो तो हो जो मो लो। अच्छा छोटी ये जब लगाते हैं तो क्या आवाज निकलती है, टी 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 नी ची ही सुई, ऐसे निकलती है। लेकिन जब बड़ी ये लगाते हैं तो आप बड़ी ये भी क्या है, मुसव्यता है ना, तो बड़ी ये जब लगाएंगे तो अब आवाज क्या निकलेगी देखते हैं। अब हम देखें जब अलिफ के साथ बड़ी ये लगाएंगे तो आवाज आएगी ए, और लिखेंगे कैसे देखें, ये अपने से आगे वाले के साथ नहीं जुड़ता, ए ए, ठीक है इस तरह लिखेंगे। अच्छा इसी तरह अब बे के साथ आप जोड़िए, बे ये को बे के साथ जोड़िए। आप बे के साथ ये को कैसे जोड़ते हैं कि ये है ना, तो यू करके सीधा ये लाके, और ये हो गया बे। कैसे जोड़ेंगे देखिए, ये देखिए लाइन से ये देखिए बे, क्या आवाज निकलेगी पे, क्या आवाज निकलेगी पे, और ते को देखिए ते, ठीक है, और टे को देखिए, पूरा खानदान एक ही तरीके से जुड़ेगा टे, और ये देखिए से, और अब जीम को देखें कि कैसे जुड़ेगा, टूटा हुआ जीम बनाते हैं ना लाइन से, इतना ऊपर देखिए टूटा हुआ जीम बनाया, बिल्कुल सीधे से लेके आइए, ये देखिए ये के साथ जोड़ने से जे, अब आवाज क्या निकलेगी जे। अब देखिए चे को मिलाइए कैसे, ये के साथ मिलाइए चे को, अब देखिए कैसे, वही जैसे आपने जीम बनाया था ऐसी चे बनाएंगे, और ये देखिए ये चे। अब देखिए यहाँ बोर्ड है ना, मेरा हाथ जरा हिल रहा है, आपके तो कॉपी है तो पूरा जोर पड़ेगा। अब ये देखिए उसके बाद ये देखिए हे के साथ में, हलवे वाली हे के साथ मिलाइए, ये देखिए लाइन से कितना ऊपर मैं हे बना रही हूँ, ठीक है। अब इसको यूं करके मिला दें, ये देखिए, और हे के साथ देखिए कैसे, ये देखिए ये, अब आवाज वही निकलेगी हे हे। अब उसके बाद बड़ी ए को मिलाइए दाल से, अब दाल के खानदान से मिला दीजिए तो क्या आवाज निकलेगी, देखिए दे, लेकिन लेकिन, देखिए ये सब तो जुड़ रहा है लेकिन दाल के साथ देखें जुड़ा नहीं, क्यों क्यों नहीं जुड़ा, हमने पढ़ा है शरारती हुर्फ अपने आगे वाले से नहीं जुड़ते, शरारती हुर्फ आगे वाले से नहीं जुड़ते। आप इसी तरह दाल भी शरारती हुर्फ है तो ये भी अपने आगे वाले से नहीं जुड़ेगा, आवाज जल्दी से निकालिए क्या आवाज निकलेगी दे। अब इसी तरह जाल के साथ मिलाइए, जल्दी से आवाज निकालिए क्या निकलेगी जे, और रे के साथ, अब रे भी जो शरारती हुर्फ है अपने आगे वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, तो अब रे, और रे के साथ जल्दी से आवाज निकालिए, बनाइए जल्दी से रे, और जे के साथ आवाज निकालिए जे, और जे के साथ आवाज। अब आप देख रहे हैं ना कि कहीं पर भी जुड़ नहीं रहा, क्यों नहीं जुड़ रहा, ये सब शरारती हुर्फ हैं, ये अपने से आगे वाले से नहीं जुड़ते। ये अब आ गया सीन, सीन का जोड़ा, सीन के शीन, अब देखिए ये कैसे जोड़ेंगे, ये शीन के शोशे है ना, अब इसको यूं मोड़ के ऐसे ले आइए ये, ठीक है। अब शीन देखिए, शीन को भी कैसे करेंगे, मैं इसीलिए पेन को दूर से पकड़ रही हूं कि ताकि आपको नजर आए, ये देखिए तीन शोशे बनाए,
और इस वाले शोशे को ऊपर से घुमा दिया यूं, शे शे। अब स्वाद, स्वाद के साथ स्वाद का जोड़ा है स्वाद स्वाद। अब मिलाइए जल्दी से, देखिए स्वाद, और ये देखिए इसको यहीं से घुमा दें यूं, ठीक है। अब स्वाद, स्वाद के साथ ये को मिलाइए, आप देखिए ये, देखिए ये यहां तक लाए ना, इसको यहीं से यूं घुमा दें ऐसे। जे, देखिए मैंने पैन इसीलिए इतना दूर से पकड़ा हुआ है कि ताकि आपको नजर आए मैं कैसे मिला लूं। अब ये देखिए, ये है हमारा तोए के साथ, ये को मिलाइए तोए के साथ, कैसे मिलेगा ये देखिए, तोए सीधी बनाइए, बिल्कुल बना ली। अब इसको ये देखिए, अब जोए के साथ भी बिल्कुल इसी तरह मिलेगा, सीधी जोए, और ये देखिए, और एन के साथ मिलाइए, अब एन का जोड़ा एन एन मिलाइए जल्दी से, देखिए अब इसको देखिए, ये एन यूं करके बनाएंगे ये, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपका हाथ चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा खाली बैठे हुए, कभी कोई काम नहीं है, खाली बैठे जल्दी से पेपर लेके बैठ गए और खुद ही जोड़ रहे हैं, इस तरह आपको खूब प्यारी सी राइटिंग में जोड़ना आ जाएगा। अब गैन को ये से मिलाइए, देखिए ये देखिए गैन, और ये गे गे। अब फे को ये से मिलाइए, अब असल में मेरे पास जगह भी यहाँ पे बहुत छोटी सी है ना, इसलिए मैं छोटे बना रही हूँ, सही है। अब देखिए फे, और मुझे हर हाल में पूरी तख्ती को बोर्ड पे लेना था ताकि एक साथ आपको आवाजें निकालना आ जाए, तो इसलिए मेरे पास जगह भी कम है, तो शायद राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही, लेकिन आपकी कॉपी पे अच्छा काम होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फे के बाद काफ, काफ के बाद क्या होती है, है ना। अब ये देखिए ते, अब क्या आवाज निकलेगी, ए, और जब काफ से मिलाएंगे, अब देखिए ये काफ ये के ऊपर खड़ा रहेगा ऐसे, अब इसको यहां से यूं करके, अब क्या आवाज निकलेगी, के के, और गे को मिलाइए, गे, और लाम को ये से मिलाइए, ले, और मीम को मिलाइए, मे, नून को मिलाइए, ने, नून को बिल्कुल इस तरह मिलाते हैं जैसे आपने बे को मिलाया था, यहां कोई शोषा नहीं कुछ नहीं, लेकिन बस फर्क क्या है, यहां नुक्ते नीचे हैं बे और पे में, यहां नुक्ता ऊपर है ने, और हे के साथ मिलाएंगे तो आप देखें ये हे, लेकिन इसे हे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते है, इसे हे नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं है, ठीक है पढ़ते हैं इसे। अच्छा आप ये देखिए, छोटी ये को आप बड़ी ये से मिलाइए तो क्या पढ़ेंगे इसे, इसे यूं करके लिखेंगे ये ये ये, ऐसे झटका दे के पढ़ेंगे, ये लिखिए, मिलाइए, पढ़िए ये, तो इसमें बड़ी ये भी आएगी और छोटी ये भी आएगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आवाजें कैसे निकलेंगी, ए बे पे ते ते से जे चे हे हे दे दे जे रे 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 जे जे से से बोतल से पानी भर दो, है ना, शे स्वे जुए पोए जुए ए वे फे के
ले मे ने हे, लेकिन हे नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते है पढ़ते हैं। लिखा है ही जाएगा लेकिन इसे पढ़ेंगे है। क्या पढ़ेंगे इसे है, ये और उसके नीचे दो नुक्ते आएंगे। देखिए क्लास वन, ये पूरा भी मैंने समझाया ना कि बड़ी ये जब मिलती है तो कैसे आवाज निकलती है, सही है। अब ये आप सब यहाँ इस तरह बिल्कुल जैसे मैंने समझाया है ये यहाँ करेंगे इसको। अब देखिए क्लास, मिला ये तारे, मिला के लिखेंगे तारे। दाने, मिला के लिखिए दाने। काले, मिला के लिखिए काले। चारे, अब कौन कौन से हरफ है इसमें, चे अलिफ रे बड़ी है, देखिए टूटा हुआ है ना, तो ये आपको तोड़ने आते हैं ना, जल्दी इसे तोड़िए। आप देखिए ये सोते, ठीक है, दोनों को मिला दिया क्या बन गया, सो और ते, सोते। मो और जे क्या बन गया, मोजे। तो और ते क्या बन गया, तोते। अब रोते, उसको तोड़िए, कौन कौन से हरफ है इसमें। तोले, कौन कौन से हरफ है तोड़े। कोने, अब इसे भी तोड़िए। अब ये देखिए लिखिए, ये चार तारे हैं, ये चार तारे हैं। अब देखिए बहुत सारे हैं ना, एक से ज्यादा है ना, तो देखिए हैं, नून नून ना आ रहा है। तोते को पानी दो, अब देखिए तोते को पानी दो, तोते को पानी दो। अब देखिए क्लास, ये लफ्ज बनाइए। अब ये देखिए नून, यहां नून दे रखा है और यहां ते दे रखा है और यहां रहकर रा। अब देखिए यहां तस्वीर भी आपको साथ में दे रखी है। चांद कब निकलता है, रात में निकलता है ना, तो ते मिलाएंगे तो क्या बन गया, रात। इसी तरह यहां तस्वीर किसकी दे रखी है, मोर की। अब टे मिलाएंगे या रे मिलाएंगे, तो जो भी मिलाएंगे वो फिर मोर बनेगा, तो यहां लिखेंगे। अच्छा अब ये देखिए जा और ये ला, अब ये तस्वीर किसकी बनी हुई है, बाजा। तो आप इसमें ला लिखेंगे या जा लिखेंगे, आपने खुद लिखना, मैं नहीं बताऊंगी। ना या का, अब ये बच्चा रो रहा है तो आप देखें क्या लिखा, रो ना लिखेंगे या का लिखेंगे। आगे देखिए सी और नी, अब ये पा, अब देखिए सी पासी होगा या पानी होगा। अब ये देखिए ची और ली, अब ये देखिए मोची बैठा हुआ है, ये मो ची लिखेंगे या ली लिखेंगे, अब खुद करना है आपने। ये रे और ले, अब ये देखिए सारे तारे हैं, ता रे या ले, खुद लिखना है आपने। अब ये देखें ये सब तोते हैं, तो ते या तोने। लकीर बनाइए, पढ़िए और दुरुस्त जुमले के नीचे लकीर बनाइए। ये जारा और अली का घर है, तोता बोल रहा है, यहाँ तोता बोल रहा है नहीं ना, यहाँ क्या है, कौन सी तस्वीर है, ये घर की तस्वीर है, तो किसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, किसको किसके नीचे लकीर खींचेंगे, ये जारा और अली का घर है। अब देखिए यहाँ देखिए, लाल बत्ती हो तो गाड़ी रोक दो, दादा जान को पानी ला दो। अब किसको अंडरलाइन करेंगे, खुद बताएं। ये जारा का बस्ता है, बिल्ली सो रही है, अब कौन सा अंडरलाइन करेंगे आप। सारा नाराज है, सारा खुश है, खाली जगह भरिए। ये अली डैश बस्ता है, ये अली का की, का आएगा या की आएगा। वो जारा डैश गुड़िया है, की आएगा या का के आएगा। दादा जान डैश सोने दो, को आएगा या का आएगा। ये अब्बू डैश मोजे हैं, के आएगा या को आएगा। अब आपने खुद बताना है क्या आएगा। अब देखिए क्लास, क्लास वन, अब ये मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी ये पूरा काम और ये वाला पूरा काम। अब आपने इतना काम कर लिया है, ये सब आपने खुद करना है यहां तक सारा काम, सही। चलिए अस्सलाम वालेकुम।